फ्रेंड्स, मैं उदयविंद्र साहू, यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था कन्फॉर्मल मैपिंग डेफिनेशन एग्जांपल्स मैंने दिया था, अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। उसके मैं आगे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स लूंगा, जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन पर बेस्ड है। यानी जेड प्लेन में जो हम कर्व लेंगे, फिर उस कर्व को इमेज, उनका जो कर्व है डब्ल्यू प्लेन में कैसे बनता है वो हम देखेंगे। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन फैक्टर, स्केलर फैक्टर पर भी बात करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। सो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल्स। तो सबसे पहले देखिए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिया। ऑब्वियसली ये जो फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड है, बिकॉज दिस इज अ पॉलीनोमियल, ओके, ऑफ ऑर्डर टू। तो जेड स्क्वायर है। अब जो भी कर्व दिया है उसको देख लेते हैं। हमें कर्व दिया मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन मीन्स क्या है, ये आपका सर्कल है ना, जीरो पर सेंटर्ड, वन रेडियस का कोई सर्कल है, ओके। मॉड ऑफ जेड इक्वल टू वन बोले तो इसको अगर हम तोड़े तो आपको फार्मूला पता है, जेड इक्वल्स टू हो जाएगा, है ना, ई टू दी पावर आर थीटा या ई टू दी पावर आई टी। अब टी के फॉर्म में इसलिए इसको नाम दे दिया गामा ऑफ टी करके, ओके। तो टी क्या होगा, लाइज बिटवीन जीरो टू टू पाई। पाई एंगल क्या होगा, जीरो टू 360 डिग्री ना, जीरो टू टू पाई। और सिंपली कोई भी कर्व दिया जाता है वो हमेशा समझना उसको, वो क्या है, एंटी क्लॉक वाइज है। कन्फर्म ना, इस तरीके से आपको कर्व दिया हुआ है। तो जेड प्लेन के अंदर इस कर्व को बनाना आसान है, है ना, एंगल होगा टू पाई, कन्फर्म। अब हमें ये देखना है कि डब्ल्यू प्लेन में इस ये जो कर्व हमें दिया गया है उनका इमेज का वो क्या होगा, ओके। जेड प्लेन टू डब्ल्यू प्लेन, तो डब्ल्यू मीन्स आपको पता है एफ ऑफ जेड, है ना, इमेज फंक्शन जो होता है आपको दिया उसके अंडर में कैसे बनेगा। तो देखिए, फंक्शन आपको दिया हुआ है जेड स्क्वायर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, पहली चीज तो आप देख लीजिए एंगल। इससे पहले वाले जो लेक्चर था उसमें मैंने बहुत सारे नोट लिखा है, तो उनका जरूर यूज करना है अपने को। तो देखिए, जो सेकंड नंबर के नोट लिखा है तो उनका यूज करेंगे। उसमें ये था कि आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये आपका एनालिटिक है, एंटायर मतलब एनालिटिक है। अब इनकी क्या करना है, फंक्शन की डेरिवेटिव कर लीजिए। फंक्शन की डेरिवेटिव देखिए 2z। अब इसके देखिए जीरो कहाँ कहाँ है, तो 2z यानी कि 2z एफ डेज आप जेड इक्वल टू जीरो कीजिए, 2z इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो, देख के समझ आ रहा है कि जेड इक्वल टू जीरो पर ये जीरो रखता है और ऑर्डर कितनी होगी, वन। दैट मीन्स एफ, है ना, ये जो एफ डेज ऑफ जेड है जीरो ऑफ ऑर्डर वन। कंडीशन ये था अगर फंक्शन एनालिटिक है, ओके, और फंक्शन की डेरिवेटिव, ठीक है ना, जो जहां पे डिफाइन है ये उसके पॉइंट पर क्या है, जैसे जेड नॉट ले लीजिए, उस पॉइंट पर अगर जीरो रखता है ऑर्डर के का, तो समझ लीजिए फंक्शन का जो इमेज कर्व होगा, ठीक है ना, उनकी जो एंगल होगी वो क्या होगा, उसमें के प्लस वन का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो यहां पर वन है तो वन प्लस वन दैट इज टू का मल्टीप्लीकेशन। जैसे इधर एंगल टू पाई बन रहा है तो उधर एंगल होगा टू इंटू टू पाई, दैट इज फोर पाई। कन्फर्म हो रहा है, तो ये रिजल्ट था, उनका यूज करेंगे। इसलिए हमेशा पहले ये डेरिवेटिव जरूर निकालेना अगर फंक्शन एनालिटिक है तो। अब देखिए, है ना, जो कर्व दिया हुआ है, अब यू और वी में रिलेशन लाना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने को डब्ल्यू प्लेन में जाना है। तो देखिए, एफ ऑफ गामा ऑफ टी ई टू दी पावर आई टी, तो एफ ऑफ गामा ऑफ टी होगा एफ ऑफ ई टू दी पावर आई टी, एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ ई टू दी पावर आई टी, दैट मीन्स ई टू दी पावर आई टी का होल स्क्वायर, सो ई टू दी पावर टू आई टी। ये अपने को पता चल गया, ई टू दी पावर टू आई टी। ये जब ब्रेक होता है तो कैसे होता है, हम फार्मूला पता है, ई टू दी पावर आई थीटा होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, सो ये हो जाएगा cos 2t प्लस आई साइन 2t। cos 2t दैट मीन्स इसको नाम दीजिए u, प्लस आई साइन 2t दैट मीन्स इसको नाम दे दीजिए v। तो इस तरीके से u इक्वल टू cos 2t, v इक्वल टू sin 2t, सो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर 2t प्लस sin स्क्वायर 2t इक्वल टू 1। दैट इज यहां से पता चल रहा है u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये एक्चुअल में, हाँ, इसको आप ये भी समझ सकते हो, मॉड ऑफ u प्लस आई वी इक्वल टू वन ही तो ही है। इसका मॉड जब करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, उसको आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वन आ सकता है कि नहीं आ सकता। नेक्स्ट लाइन में इसको स्क्वायर रूट कर लीजिए, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, मॉड ऑफ यू प्लस आई वी। यू प्लस आई वी मीन्स एफ ऑफ जेड, एंड वी नो एफ ऑफ जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू के फॉर्मेट में। तो मॉड ऑफ डब्ल्यू इक्वल टू वन, दैट इज अगेन ये क्या है, एक सर्कल है। तो हम देख सकते हैं कि डब्ल्यू प्लेन में भी हमें क्या मिला, सर्कल मिला। तो जेड प्लेन में सर्कल है, सर्कल मैप्स टू सर्कल अंडर दिस फंक्शन, और एंगल जो होगा वो चेंज रहेगा। तो ड्रॉ करते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेड प्लेन में, तो ये हमारा जेड प्लेन है, तो ये बना अपने सर्कल ये, और डब्ल्यू प्लेन तो ये भी सर्कल होगा, है ना, ठीक है ना। इसमें साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये आपका रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस,
ठीक है ना, ये रियल एक्स है, सिमिलर चाहे इसको नाम दे सकते हैं एक्स वाई, और यहां पर ये रियल एक्स चूंकि ये जेड प्लेन है तो ये एक्स है और ये आई वाई है ना, यहां पर आई वाई लिख सकते हैं, ज्यादा बेटर ये। इसी तरह से यू इसको आई वी करके लिख सकते हैं, इमेजिनरी की वजह से मैंने आई को यहां पर लिखा। ये आपका है जेड प्लेन, ये आपका है डब्ल्यू प्लेन, यहां तक कंफर्म। याद रखिए ये एंगल है 2 पाई, अब यहां एंगल 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई। सामान्य तौर पे जो भी दिया रहता है एंटी क्लॉकवाइज रहता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यहां मैग्निफिकेशन की बात नहीं चल रही है, मतलब कितना वो बढ़ा इससे मतलब नहीं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना हम देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे मैप कर रहा है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जेड प्लेन में हमें सर्कल दिया था, वो अगेन सर्कल पर ही मैप कर रहा है, ओके। और एंगल लेकिन बदल गया ना, इधर 2 पाई था एंगल 4, 4 पाई का मीनिंग क्या होगा, ये सिंपल ये 2 पाई, इसमें होगा 2 पाई फिर अगेन यानी दैट इज 2 टाइम रोटेशंस, 4 पाई होगा कंफर्म। तो यहां लिख सकते हैं हेंस एफ मैप्स सर्कल टू सर्कल, ठीक है ना, और नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये भी नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इतना क्लियर हो गया। इसको ऐसे भी कह सकते हैं इस सर्कल मैप्स टू सर्कल अंडर दिस फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, कंफर्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड प्लस बी बाई जेड, जेड नॉन जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू वन, ओके। तो हमें ये फंक्शन दिया गया है जेड प्लस बी बाई जेड, जेड नॉन जीरो दैट इज जेड इक्वल टू जीरो पर प्रॉब्लम हो गई, उसको हटा दीजिए कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। तो कॉम्प्लेक्स प्लेन से जब उसको हटाएंगे तो दैट इज सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो, ये होगा इनका डीओडी डोमेन, ठीक है ना। फंक्शन इस पर डिफाइंड है, परिभाषित है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो मैं बोला था कि ये फंक्शन अपने डीओडी में एनालिटिक है, जब भी एनालिटिक हो आप पहले उनके डेरिवेटिव चेक कर लीजिए। तो जब इसके डेरिवेटिव मैंने चेक किया तो वन, और इसका जब करेंगे तो माइनस बी बाय जेड स्क्वायर, ओके, जेड नॉन जीरो बी नॉट इक्वल टू वन, ठीक है ना, ये हमें दे दिया गया, ठीक है ना, ये दे दिया गया, वहां से निकाल दिया अपन। अब देखिए फंक्शन की डेरिवेटिव जीरो कहां पर रखता है, जीरो अगर निकालना है तो इसको आप क्या करेंगे, वन माइनस बी अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो लेकर चलेंगे, एफ इट इज ऑफ जेड इक्वल टू जीरो टेक, देन वी गेट वन माइनस बी अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यहां से वन इक्वल टू ये हो जाएगा बी अपॉन जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू बी, जेड इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी, कंफर्म। लेकिन बी की वैल्यू वन नहीं दिया इसलिए वन नहीं लिख सकते, इसलिए नॉट इक्वल टू, ना बोलेंगे जीरो क्यों लिए, तो नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए क्योंकि जेड नॉन जीरो है। अगर जेड यहां पर सोचिए इस बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा, और चूंकि जेड की वैल्यू बोल रहे हैं आप जीरो पे, तो ये तो जीरो बटा जीरो वाला सिचुएशन आ जाएगा, प्रॉब्लम करेगा ना। सो यहां पर जीरो और वन नहीं हो सकता। अब प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, इसका मतलब जीरो और वन के अलावा बाकी सब पे हो सकता है, मतलब जीरो और वन के छोड़ बाकी सब पे वैल्यू जीरो रखेगा, जेड की वैल्यू प्लस माइनस रूट ऑफ बी वेयर बी नॉन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन, तो हमें उससे मतलब भी नहीं। मीनिंग ये है कि जिस पॉइंट पर जीरो रखता है उस पॉइंट के अराउंड या उस पॉइंट पर ओरिएंटेड हमें क्या लेना रहता है, कर्व लेना रहता है। इससे पहले क्या था, जीरो पर जीरो रख रहा था और जीरो के अराउंड ही आपको कर्व दिया था, सर्कल दिया था, कंफर्म। तो हमें यहां पर भी सर्कल ही दिया है और ये भी जीरो के अराउंड है, जीरो पर सेंटर्ड, वन रेडियस का हमें दिया हुआ है, लेकिन ये जीरो पर जीरो रखता ही, इसका मतलब इस पर दिमाग लगाने नहीं अपने को, कंफर्म ये सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जीरो रखता है तो तुरंत आप कर दिया, ऐसा नहीं। तो ये तो क्लियर हो गया, फिर मल्टीप्लीकेशन नहीं होने वाला, मल्टीप्लीकेशन होने का कंडीशन वही है, अगर एनालिटिक है तो ये इफ एंड ओनली पे, कंडीशन यही है कि जो एंगल इधर है उसमें जो भी ऑर्डर उसमें जोड़ दो और उतना मल्टीप्लीकेशन होता है, क्लियर हो रहा है। बट यहां क्यों नहीं होगा, क्योंकि जीरो पर ये जीरो नहीं रखता है, ठीक है, कंफर्म हो गया। तो ये हमें कर्व दिया एफ गामा ऑफ टी इक्वल टू दी पावर आई टी, एफ ऑफ गामा ऑफ टी इक्वल एफ ऑफ टू दी पावर आई टी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जेड जेड प्लस पी अपॉन जेड, तो ई टू दी पावर आई टी, तो ई टू दी पावर आई टी प्लस पी अपॉन ई टू दी पावर आई टी, ई टू दी पावर आई टी ऊपर जाएगा टू दी पावर माइनस आई टी, बाय द डेफिनेशन ऑफ ई टू दी पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और माइनस है तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा विनोद, तो ये हो जाएगा यहां से कॉस, इसको हम रिजॉल्व करेंगे तो कॉस टी प्लस आई साइन टी, और इसी तरीके से प्लस बी कॉस टी माइनस आई साइन टी। अब यहां से हम अलग अलग कर लेते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, सो ये होगा आपका बी प्लस बी कॉस टी प्लस यहां से आई साइन टी माइनस बी आई साइन टी, इसको अच्छे से रिजॉल्व कर लेते हैं, यहां से वन प्लस बी कॉस टी कॉमन, और इसी तरह से आई वन माइनस बी, और ये हो जाएगा साइन टी कॉमन,
तो ये हो गया है ना, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। सो रियल पार्ट प्लस आई इंटू इमेजिनरी, दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया। इसको हम देते हैं यू प्लस आई वी, कन्फर्म है। अब यहां से यू इक्वल टू ये हो जाएगा वन प्लस वी कॉस टी। ओके, यू और वी की वैल्यू फाइंड करनी है ना भाई, तो यहां से यू देखिए क्या आएगा, है ना, वी की वैल्यू ये है, पहले यू को ले रहे हैं, यहां से यू अपॉन वन प्लस वी इक्वल टू कॉस टी। इसी तरीके से v इक्वल टू है 1 माइनस बी इंटू साइन टी, तो यहां से आपको मिलेगा v अपॉन 1 माइनस बी इक्वल टू साइन टी। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि हमें पता है कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, या फिर साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल्स टू 1। ओके, सो हम क्या करेंगे, स्क्वायर एंड एडिशन, स्क्वायर एंड एडिशन जब करेंगे तो फिर हमें मिलेगा, तो देयर फोर u अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, एंड द वैल्यू ऑफ दिस विल बी वन। तो इस तरीके से यहां से इसको अलग अलग कर लेते हैं, यू स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी होल स्क्वायर, वी स्क्वायर अपॉन वन माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू वन। इसको देख के क्लियर हो रहा है, जब ये नहीं रहता यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू वन रहता तो सर्कल में होता है, नीचे भी आ गया यहां पर, ये क्या शो कर रहा है, एलिप्स शो कर रहा है। बस ये देखना मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस पे जाता है ना, ये माइनर एक्स एक्सिस में, ये जाता है वाई एक्सिस में जाता है, मेजर होगा क्योंकि ये तो बड़ा है, इस वजह से ये छोटा है तो माइनर पे जाएगा, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये होगा आपका, तो अब बनाते हैं ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सॉरी जेड प्लेन और आपका डब्ल्यू प्लेन पे। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें सर्कल दिया है तो सिंपल यही बनेगा, और दूसरा दिया है आपका ये, तो देखिए b की वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी रखो आप, ठीक है ना, 1 क्यों नहीं रखते, यहां से भी क्लियर हो रहा है 1 माइनस 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता, कंफर्म। तो 1 के छोड़ बाकी जैसे 2 रखोगे तो यहाँ 3 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 के स्क्वायर, दैट इज 1, यहाँ 9, क्लियर हो रहा है। तो ये मेजर एक्सिस बनता है, सो इनका ये जो ग्राफ है वो इस तरीके से होगा, ठीक है ना, एंगल तो वही है 2π और ये 2π, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका वाई आई वाई और ये आपका यू आई वी, यहाँ आई नहीं लिखते कई लोग, लेकिन लिख लेना चाहिए क्योंकि ये रियल एक्सेस है, इमेजिनरी एक्सेस है। ओके, ये सिंपली कोई आर टू प्लेन नहीं, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ओके, जिसमें से ये आपका जेड प्लेन है और ये आपका डब्ल्यू प्लेन है, और ये मैप करके ये मिला, दैट इज ए फंक्शन मैप किया, तो इसका मतलब ये हुआ हैंस, ठीक है ना, एफ मैप्स सर्कल टू एलिप्स, क्लियर हो रहा है। तो या फिर ये बोल सकते हो कि सर्कल मैप्स टू एलिप्स अंडर फंक्शन, अंडर द गिवन फंक्शन, क्लियर हो। तो हमने ये देखा पहले एग्जांपल में सर्कल टू सर्कल सर्कल वाला हमने देखा, सेकंड एग्जांपल में सर्कल टू एलिप्स वाला देखा, और ये जो एग्जांपल मैंने बी दिया उसकी वैल्यू चेंज करके आप बनाइए, इससे प्रैक्टिस होगा आपका, कन्फर्म है। आप थोड़ा अलग टाइप वाले एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड, जेड नॉन जीरो, दैट इज ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइन नहीं होगा, जीरो को हटा दीजिए ना, सी एक्सेप्टिंग सिंगलटन जीरो, जस्ट इससे पहले जो था उसी टाइप का ना, ठीक है ना, इस पे ये फंक्शन डिफाइन है, दैट इज दिस इज डीओडी ऑफ दिस फंक्शन, कंफर्म। अब सेम वही तरीका, ये अपने डीओडी में एनालिटिक है, अब क्या करना है, फंक्शन की डेरिवेटिव करना है। अब ये तो पूरा रिपीट हो रहा है ना, तो एफ डेज ऑफ जेड इक्वल टू माइनस वन बाई जेड स्क्वायर, जेड नॉन जीरो। अब देखिए फंक्शन के पास जीरो है या नहीं, देखिए याद रखिए इससे पहले दोनों एग्जाम्पल में जीरो था, पहले वाले केस में जीरो था उसका महत्व भी था, सेकंड में जीरो था बट उसका कोई मतलब महत्व नहीं हुआ, बट यहां पर जीरो ही नहीं होगा, कैसे, अब भाई एफ डेज ऑफ जेड इक्वल टू माइनस वन बाई जेड स्क्वायर है, आप जीरो जब फाइंड करते हो तो इसको जीरो लेकर चलते हो, तो ये होगा माइनस वन बाई जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, माइनस वन इक्वल टू जीरो, क्या ये पॉसिबल है, इट कैन नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डेज ऑफ जेड इक्वल टू माइनस वन बाई जेड स्क्वायर हैज नो जीरो, इट डजंट हैव एनी जीरो, कन्फर्म। अब आते हैं इधर, हमें दिया गया है कर्व गामा y इक्वल टू एक्स, याद रखिए यहाँ जो कर्व दिया हुआ है वो x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, जब x y के फॉर्म में दिया हुआ रहता है तो जो आपको फंक्शन दिया रहता है उसमें आपको क्या करना है, u और v को फाइंड करना है, लेकिन x और y में कन्वर्ट करके विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन x एंड y, कन्फर्म। तो वही चीज आपको देखना है, इससे पहले जो था लेक्चर उसको थर्ड नंबर का नोट मैंने लिखा था। ओके, तो ध्यान से देखिए, एफ ऑफ जेड इक्वल टू वन बाई जेड है, एक्चुअली इन्वर्सन कहते हैं इसको, इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई, ये हो गया जेड के जगह पे, जेड इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, एक्स इज रियल वेरिएबल, वाई इज रियल वेरिएबल, कन्फर्म। तो इस तरीके से वन अपॉन एक्स प्लस आई वाई, हम क्या करेंगे इसको रैशनलाइजेशन, तो रैशनलाइजेशन जब किया जाता है तो ये हुआ
इस तरीके से, ठीक है। ऊपर हुआ x माइनस आई वाई, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, x माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर देते हैं, है ना। तो सेपरेट जब होगा तब मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा, या फिर आप इसको अलग से प्लस आई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया u, ये हो गया v, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है बिल्कुल सही है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब उसको यूज करना है। ये रिजल्ट है, जब भी आपको जो कर्व दिया हो अगर एक्स वाई के फॉर्म में हो तो दिए गए फंक्शन को हम पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और यू और वी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ द रिलेशन, दिस रिलेशन वाई इक्वल टू एक्स भी है ना। तो आप ऐसा नहीं लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, एट वाई इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस आई माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कन्फर्म है, तो एक्स अपॉन टू एक्स स्क्वायर, ओके, और माइनस, अभी मत लिखिए, माइनस एक्स इसी में रखिए ना, इस तरीके से रखिए, तो ये क्या होगा, है ना, ये होगा आपका वन बाई टू एक्स और प्लस आई माइनस वन बाई टू एक्स। तो इस तरीके से अब ये यू है और ये वी है, सो यहां से कन्फर्म हो जाता है, ठीक है ना, u इक्वल टू वन बाई टू एक्स, वी इक्वल टू, ये है आपका u प्लस आई वी, तो u इक्वल्स टू वन बाई टू एक्स, वी इक्वल टू माइनस वन बाई टू एक्स, फ्रॉम बोथ रिलेशन वी गेट v इक्वल टू, देखिए माइनस वन अपॉन टू एक्स, वन अपॉन टू एक्स यू, दैट इज माइनस u, कन्फर्म है। y इक्वल टू एक्स, जेड प्लेन में एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, कन्फर्म ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और v इक्वल टू माइनस u, ये आपका लाइन होगा W प्लेन में, एंड ऑल्सो दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओके। तो डायग्राम फॉर्मेट करेंगे, अब यहां कोई एंगल का मीनिंग भी नहीं, हम सिंपली डायरेक्टली जो हम जानते हैं ना 45 डिग्री एंगल से बनता है ये, तो इधर सबसे पहले हम लेंगे Z प्लेन और इधर लेंगे W प्लेन, वी नो डायग्राम होगा इस तरीके से, ये हो जाएगा X और ये आई वाई, कन्फर्म है, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा आपका, ये होगा U और ये होगा I, और जो डायग्राम थे यहाँ रखिए, U इक्वल टू V होता तो ऐसे बनता, ये V इक्वल टू U तो ऐसे बनता, V इक्वल टू माइनस U ऐसे, भाई Y इक्वल टू ये है आपका X, ठीक है ना, तो Y इक्वल टू माइनस एक्स तो ऐसे बनता, Z प्लेन पे सेम W प्लेन पे ये आपका V इक्वल टू V, U माइनस में है तो इस तरीके से V इक्वल टू माइनस U, कन्फर्म, तो इस तरीके से बनेगा। हम यहाँ पर नीचे में इसको सो भी कर लेते हैं, Z प्लेन और ये है आपका W प्लेन, ठीक। तो हम इसमें क्या कंक्लूजन निकाला, हमने कंक्लूजन निकाला F maps line to line, है ना, या फिर F maps, hence F maps straight line to straight line, कन्फर्म, या फिर डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि स्ट्रेट लाइन मैप्स टू स्ट्रेट लाइन अंडर द इनवर्सन या अंडर फंक्शन 1 बाई जेड, कन्फर्म है। तो इस तरीके से एग्जांपल लीजिए, ये सब सैंपल होते हैं, प्रैक्टिस आपको खुद करना है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और किसी भी तरह से डाउट होता है आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन मैग्निफिकेशन फैक्टर का, मैग्निफिकेशन फैक्टर डेफिनेशन देखिए, लेट एफ बी एनालिटिक एट जेड नॉट सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस IV, okay, U real part, V imaginary part of function. Suppose F is conformal at Z naught, then we have Jacobian matrix, J equal to, या फिर matrix of derivative कह सकते हैं, UX, UY, VX, VY equals to determinant UX, अपने जगह पूरे X पे convert करने कोशिश कर रहा हूं, तो UX, VX अपने जगह पर, इन दोनों को मुझे convert करना है, function analytic है, मैं apply कर सकता हूं, Cauchy-Riemann equation apply किया गया, तो हमें पता है, Cauchy-Riemann equation से, UX होता है VY, UI होता है माइनस VX, ठीक है ना। तो हमने देखा ये जो UI है ना, उसके जगह मैंने रखा माइनस VX और VY के जगह रखा UX, पूरा X के फॉर्म में हो गया। अब डिटरमिनेंट है कैसे सॉल्व होता है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, तो UX इंटू UX, UX स्क्वायर माइनस माइनस प्लस VX स्क्वायर, ये हो गया, और ये क्या है आपका UX स्क्वायर प्लस VX स्क्वायर। आप डायरेक्टली कह सकते हो फंक्शन चूंकि एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल हो गए, ठीक है ना, तो उसका जो डेरिवेटिव है एफ डेज ऑब्जेक्ट उनका मॉड का स्क्वायर, ये तो हम पहले भी देखे थे ना, तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑब्जेक्ट स्क्वायर कन्फर्म है, मिल्ले थॉमसन मेथड के कंसेप्ट में बताया भी था मैं, तो मॉड ऑफ एफ डेज ऑब्जेक्ट का स्क्वायर है ये,
अब बात आती है ना मैग्निफिकेशन फैक्टर की। ये तो पूरा डेफिनेशन था, एक बार इसको अच्छे से पहले क्लियर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। फंक्शन एनालिटिक है, इस लाइन को देखकर कंफ्यूजन नहीं होना। जेड नॉट पे एनालिटिक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एनालिटिक होने का मतलब क्या होता है? एनालिटिक उस पॉइंट पे, इसका मीनिंग ये है कि इस पॉइंट पर फंक्शन रेगुलर है, यानी कि ये हुआ कि इस पॉइंट के अराउंड या इस पॉइंट पर सेंटर्ड एक आपको डिस्क, कम से कम एक ऐसा डिस्क मिल जाएगा जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, या यू कह सकते हैं कि इस डिस्क में फंक्शन एनालिटिक है। कंफर्म ये कंसेप्ट होता है। बात आती है कि ये जेड नॉट पर क्यों, हमें पॉइंट से मतलब है, पॉइंट पर हम देखने वाले मैग्निफिकेशन फैक्टर, तो हमें जो जरूरी होता है डेफिनेशन में वो चीज लिया जाता है। अब कोई फंक्शन मान लो कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिफाइंड है और एनालिटिक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर डिफाइंड है तो उसके अंदर जितने भी पॉइंट, सभी पॉइंट पर आप ऐसे डिस्क बना सकते हो, तो उसके अंदर जितने पॉइंट उसको टैग कर सकते हो। इसी तरीके से अगर फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन के किसी सबसेट पे एनालिटिक है तो भी हम कर सकते हैं, उसके जितने भी पॉइंट है उसके अंदर उस पर हर एक पर आप डिस्क बना सकते हो, तो उन सभी पॉइंट को लिया जा सकता है। तो हमें जो जरूरी उसके हिसाब से मैंने किया, तो ज्यादा सोचना नहीं, सिंपल ये है कि फंक्शन जेड नॉट पर रेगुलर है, उस जेड नॉट पे फंक्शन को मैं कन्फॉर्मल लेकर चला हूं, यानी फंक्शन के डेरिवेटिव इस पॉइंट पे नॉन जीरो, दैट इज एफ डेज ऑफ जेड नॉट नॉन जीरो। अब मैग्निफिकेशन फैक्टर डिफाइन करने से पहले आपको जैकोबियन मैट्रिक्स डिफाइन करना है। ये तो लाइन तो क्लियर था, मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ जेड स्क्वायर, कुछ नहीं, आप जिस पॉइंट पे बात कर रहे हो, जेड नॉट पे बात कर रहे हो, तो जेड नॉट पे मॉड ऑफ एफ डेज जेड नॉट होल स्क्वायर जो मिला, जिसे आपने रो से शो किया, इसी को कहा जाता है मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूं, दिस रो या फिर दिस मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ जेड नॉट होल स्क्वायर इज सेट टू बी मैग्निफिकेशन फैक्टर, इज सेट टू बी मैग्निफिकेशन फैक्टर एट जेड नॉट। ये जो रो है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर कहते हैं। इसका ग्राफिकल मीनिंग भी है ना, मतलब एग्जांपल देखेंगे तो बातें क्लियर होगा। अब ये जो मैं मॉड ऑफ एफ डेज ऑफ जेड नॉट होल्स को लिखा हूं, इसका स्क्वायर रूट जो लिया जाता है उसको स्केलर फैक्टर कहते हैं। तो उन पर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्केलर फैक्टर पर बात करेंगे, और साथ ही साथ मैग्निफिकेशन कैसे होता है और जो श्रिंकिंग है वो कैसे होता है, कंट्रक्शन जैसे आप कहते हो वो कैसे होता है उस पर बात करेंगे, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट होता है कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।